थ्योरम नंबर 4 पार्ट बी आज इसका स्टडी करेंगे। इस थ्योरम में आपके पास दो सर्कल्स होंगे जो एक इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। फर्ज करें ये बड़ा सर्कल है और ये इसके अंदर एक छोटा सर्कल है जो दोनों इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और सपोज डी इज द सेंटर ऑफ बिगर सर्कल, एफ इज द सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल और ये जो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को हम सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रूव ये करके दिखाना है कि इंटरनल के केस में इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा डी एफ वो इनके रेडियाई के डिफरेंस के इक्वल होगा, यानी बड़े सर्कल का रेडियस माइनस छोटे सर्कल का रेडियस। अब ये रिजल्ट हमें प्रूव करके दिखाना है। एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है, इंटरनल टचिंग के केस में रेडियाई का डिफरेंस लेना होता है और एक्सटर्नल के केस में ये प्रीवियस थ्योरम में मैंने बताया था आपने रेडियाई को सम करना होता है। अब स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं हम। इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट थ्रू देयर सेंटर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। अब गिवन आ जाता है हमारे पास, हमने बताना है कि फर्स्ट सर्कल का सेंटर पॉइंट डी के ऊपर है, सेकेंड सर्कल का सेंटर पॉइंट एफ के ऊपर है और दोनों सर्कल्स एक दूसरे को पॉइंट सी पर इंटरनली फ्रॉम इनसाइड एक दूसरे को टच कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बड़े सर्कल का रेडियस सी डी है, सेकेंड सर्कल का रेडियस सी एफ है और टू प्रूव है जैसे मैंने बताया कि पॉइंट सी लाइज ऑन द जॉइन ऑफ सेंटर्स डी एंड एफ, ये लॉजिक है जो हमने प्रूव करके दिखानी है, यानी तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करके दिखाना है। इस लाइन का क्या मतलब है आसान अल्फाज में, आपने प्रूव करके दिखाना है कि ये जो तीन पॉइंट्स हैं सी डी एफ दे आर ऑल कोलिनियर विद ईच अदर। जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाता है। सो पता चला कि इंस्टेड ऑफ प्रूविंग डिराइविंग दिस फॉर्मूला वी हैव टू प्रूव द लॉजिक वर्किंग बिहाइंड दिस। कंस्ट्रक्शन सेम है फॉर इस पार्ट ए की और पार्ट बी की, कि जो कॉमन पॉइंट ऑफ सी है इसके ऊपर आपने कॉमन टेंजेंट ए सी बी ड्रॉ करना है। इस बात को यहां लिख देते हैं, ड्रॉ ए सी बी एज अ कॉमन टेंजेंट टू द पेयर ऑफ सर्कल्स एट पॉइंट सी। नेक्स्ट हमारे पास प्रूफ है इसका। सबसे पहले हम बात करेंगे वही जैसे पार्ट ए में किया था कि बोथ सर्कल्स टच एक्सटर्नली एट पॉइंट सी वेयर एज ए सी बी इज द कॉमन टेंजेंट एंड सी डी इज द रेडियल सेगमेंट ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो टेंजेंट और रेडियस के दरमियान एंगल हमेशा 90 होते हैं, देयरफॉर ए सी डी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब छोटे सर्कल की बात करते हैं, छोटे सर्कल का रेडियस है एफ से लेके सी तक और उसका टेंजेंट वही है कॉमन ए सी बी, तो टेंजेंट और रेडियस हमेशा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, देयरफॉर ये एंगल भी 90 डिग्रीज का होगा, देयरफॉर एंगल ए सी एफ इज ऑल्सो 90 डिग्रीज। अब आप जरा देखें यहां गौर कीजिएगा, नेक्स्ट लाइन हमने लिखी कि ए सी डी और ए सी एफ दोनों हैं इक्वल टू 90 डिग्रीज के, वेयर एज ए सी डी एंड ए सी एफ कंसाइड ईच अदर विद पॉइंट एफ बिटवीन सी एंड डी। इस पॉइंट को जरा समझिएगा आप, देखें यहां अलहदा से हम ड्रॉ करते हैं, जरा थोड़ा सा डायग्राम का पोर्शन यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं। फर्स्ट करें पॉइंट सी डी और यहां पे आपके पास है ए। अब ये एंगल ए सी डी हमने ऊपर देखा था यहां पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये था इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब दूसरा एंगल है ए सी एफ, ये भी 90 डिग्रीज का है, इसको जरा मैं अलहदा से यहां बना के दिखाता हूं आपको, ये सी ये ए और ये एफ, देखें दोनों 90 के हैं। अब इसको आपने यहां से उठा के इस ऊपर वाले एंगल के साथ ओवरलैप करवाना है, इसके ऊपर जब आप इसको प्लेस करेंगे तो ड्यू टू दिस रिप्लेसमेंट पॉइंट ए कंसाइड करेगा पॉइंट ए के साथ, ये पॉइंट सी कंसाइड कर जाएगा पॉइंट सी के साथ और एज अ रिजल्ट चूंकि 90 इक्वल एंगल्स हैं तो ये जो पॉइंट एफ है वो सी और डी के दरमियान में इस जगह पे कहीं इसी लाइन के ऊपर आएगा। जब ये पॉइंट एफ इसी लाइन के ऊपर आएगा तो डी सी एफ एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और स्ट्रेट लाइन की वजह से तीनों पॉइंट्स को लीनियर हो जाएंगे। इसी वजह से हमने यहां पे लिखा कि ए सी डी एंड ए सी एफ कंसाइड ईच अदर, ये एक दूसरे को इस तरह ओवरलैप करते हैं कि पॉइंट एफ सी और डी के दरमियान में कहीं पे आ जाएगा। Hence, अगर वो दरमियान में आ जाएगा तो पॉइंट्स को लीनियर है और जब पॉइंट्स को लीनियर होते हैं तो आप जानते हैं 9th क्लास में सीखा था कि हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डी एफ इज इक्वल टू डी डी सी इज इक्वल टू डी एफ प्लस एफ सी। अब हमने डी एफ को प्रूव करना था तो एफ सी राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा और आपका रिजल्ट ड्राइव हो जाएगा। Hence proved.